सृष्टि काल से जितने भी संत महापुरुष हो गए हैं, सबका एक स्वर में यही उपदेश होता आ रहा है कि हे मनुष्य, तुम काज को छोड़कर काज में क्यों लग गए हो? काज क्या है? काज असल में है ईश्वर की भक्ति। अकाज क्या है? संसार के प्रपंच में फंस के रहना, विषय भोगों को भोगने में मस्त रहना, यह वह अकाज। अगर अकाज में पड़े रहेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे। आपसे को उपदेश है, अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं तो काज को कीजिए, मतलब ईश्वर की भक्ति कीजिए, तब आपका परम कल्याण हो जाएगा। मतलब आप आवागमन चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे, परम सुखी हो जाएंगे, फिर संसार आना आपका नहीं होगा, अब सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर ईश्वर की सही भक्ति कोई करना चाहती है, सबसे पहले बुद्धि के द्वारा ईश्वर का क्या स्वरूप है समझ लेना चाहिए। जब तक बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, ईश्वर भक्ति भी आपसे नहीं होगी। अपने देश में एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों को ईश्वर के स्वरूप के संबंध में थोड़ी से शब्दों में कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरिविरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंत आदि। प्रकृति पार, दो प्रकृति हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। इन दोनों प्रकृति में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखी है, विश्व किसी को मत आने दीजिए। परमात्मा दोनों प्रकृतियों में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। क्यों? इसलिए परमात्मा सबसे पहले होने कारण सबसे बड़ी है। प्रथम एक सो आपे आप, पहले एक परमात्मा है, सबसे अति सूक्ष्म भी है। इसलिए उनके लिए कहा गया व्यापक व्याप अखंड अनंता, सब में घुस करके सबसे बाहर। जो ऐसी परमात्मा है, जब तक सही भक्ति नहीं करेंगे तो परम कल्याण नहीं होगा। अब जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखे हैं, इनकी सही भक्ति करने के लिए क्या करना होगा?
अपने देश में चित्रकूट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनका एक नाम राम बोला भी है। अब आपका राम बोला नाम क्यों पड़ा उनका? हम लोग समाज में देखते सुनते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, लड़का हो लड़की हो, तो पहले तो बेहोश रहता है, होश में आने पर रोता है, लड़की रोती लड़का रोता है। तुलसीदास जी महाराज जब माँ के पेट से बाहर निकले तो रोए नहीं, एक बार बोले राम। इसलिए का एक नाम राम बोला भी है। सयाने हुए, गुरु धारण किए, साधना किए, संत बन गए, तब इन्होंने कहा कि जो राम जो परमात्मा जो अल्लाह खुदा व्यापक अखंड हैं अनंत हैं, इनकी सही भक्ति कैसे की जाए जिस जीव का परम कल्याण हो जाए। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, एक का नाम है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? का मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। कितना खुलासा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? तो मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत, जो इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, अनंत हैं। अगर इनकी सही भक्ति आप करना चाहती हैं तो तीन अवस्था तज हो, तब की सही भक्ति होगी। तीन अवस्था से मतलब क्या हो गया? जिसको छोड़ने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सभी संतों ने कहा, हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन एक जगह नहीं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में जब तक हम लोग जगे रहेंगे, संसार के लोग जगे रहेंगे, तो जीव की बैठक दोनों भौंक बीच में, यहाँ पर जागृत अवस्था में दोनों भौंक बीच में, जब तक जगे रहेंगे, दिन हो या रात हो, दोनों भौंक बीच ही में रहेंगे। जब खा पी करके सोएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो दोनों भाव के बीच सरक करके जब आ जाएंगे कंठ में, तो स्वप्न देखेंगे। इसको कहा गया स्वप्नावस्था। जब गहरी नींद में चले जाएंगे, चले जाएंगे छाती में, इसको कहा गया सुषुप्तिक अवस्था। तीन अवस्था हो गए। तुलसीदास जी का कहना है कि जो राम जो परमात्मा व्यापक व्याप अखंड हैं अनंत हैं, अगर सही मानव की भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, आप सुषुप्ति की अवस्था में नहीं जाएं, मतलब आप गहरी नींद की अवस्था में नहीं जाएं, आप छाती में नहीं जाएं, सपनावस्था में जो कंठ में रहती हैं, आप कंठ में भी नहीं जाए, अभी जो वर्तमान में दोनों भोग बीच में है जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तब सही भक्ति होगी, आपका परम कल्याण होगा, उसके पहले नहीं। तब आप कहेंगे यह तो स्वाभाविक होता है, दोनों भोग बीच में है, स्वप्न में जाती है, गर्द में जाती हैं,
फिर स्वप्न में आते हैं, दोनों भोगी से आके जग जाते हैं, ये तो स्वाभाविक होता ही रहता है। अब तीनों से छोड़ेंगे कैसे? चौथी अवस्था किधर है, कहाँ से प्रारंभ होता है, उसकी समाप्ति कहाँ पर होती है? दोनों भोग ठीक बीच में हम जीवात्मा का वास है। भीतर में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। यहीं से चौथी अवस्था, उसका नाम है तुरिक अवस्था, प्रारंभ होती है। आज्ञा चक्र से तुरिक अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब आपका आज्ञा चक्र नाम क्यों पड़ा? इसलिए यहां पहुंचने पर जीव को आज्ञा मिल जाती है, अब तुरिवसा प्रेस करो और आगे बढ़ो, परम साक्षात्कार करो। तो तुरी अवस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से, और उसकी समाप्ति कैबल में जाकर के। और हम जीव को परमात्मा मिलना है, एक में होना है कैबलों के पार, कैबल के पार जाना हम जीव को, तब परम कल्याण होगा। अब विचारना यह है, अभी तो हम जीव दोनों भोग बीच में है, अब चौथी अवस्था कैसे प्रवेश करेंगे, मतलब तृतीय अवस्था कैसे प्रवेश करेंगे, इसलिए क्या करना होगा? तो आंख से ऊपर है तृतीय अवस्था, मतलब ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ाई करने के लिए सिमटाव करना होगा, जब तक सिमटाव नहीं करेंगे ऊपर चढ़ाई होगी नहीं। सिमटाव होने से ऊपर चढ़ाई होती है, स्वाभाविक ऊंचाई को ऊंचाई हो जाती है। जैसे देखिए गांव घर में माँ बहने 10 किलो 15 किलो 20 किलो 30 किलो धान उसनती हैं, जल्द सूख जाए तो पतला कर देती है, सुखा कर पसारती है पूरा, जल्द सूख जाए। कुट करके चावल निकालना है तो रात में भात बनेगा, पतला पसार देती है। जब धान सूख जाता है तो जिसका धान है इस चारों तरफ से ऐसे ऐसे समेटती हैं, दलिया उठाने के लिए, किसी उठाने के लिए चारों तरफ समेटती हैं, धान की ढेरी हो जाती है, एक हाथ डेढ़ हाथ दो हाथ की ऊंचाई हो जाती है। ठीक ऐसे ही उत्तरी असर प्रेस करने के लिए सिमटाव करना होगा। अब सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर सिमटाव करने की हौसला है तो सबसे पहले पवित्र स्थान में बैठना होगा। सोचो देसी, अगर एक कमरे मन नहीं लगे दूसरे कमरे बैठना चाहिए, अगर एक जगह मन नहीं लगे दूसरी जगह बैठना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। वो स्थान पवित्र हो, समतल हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। उबड़ खाबड़ में बैठेंगे तो थोड़े काल में आपका जांग दुखने लगेगा। समतल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बैठेंगे कैसे? तुरीवसा प्रेस करना है, कैसे बैठेंगे? पवित्र स्थान तो हो गया, अब बैठेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था समांका शिरोग्रीवंग, मतलब बिल्कुल सीधा बैठना है। सीधा से मतलब क्या हो गया?
पीठ का रीढ़, गर्दन और सिरे एक सीध मेरे सीधा बैठना चाहिए। देखिए सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। आप अभी परीक्षा कर सकते हैं, सीधे बैठ जाएंगे, जितने पंडाल में बैठे हुए हैं सीधा बैठ जाएंगे, पीठ का रीढ़, गर्दन सिर एक सीध में रे, कमर टेढ़ा नहीं रे, गर्दन टेढ़ा नहीं रे, सीधा, देखिएगा आपका श्वास कम चलेगा। जरा सा गला झुका देंगे या कमर झुका देंगे श्वास तेज आ जाएगी। तो सीधा बैठने से श्वास कम चलता है, जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है। तो पहला लाभ यह हो गया, उनकी आयु बढ़ जाएगी। तो सीधा बैठे श्वास कम चलता है, आयु वृद्धि हो जाती है। जप करने में, ध्यान करने में मन भी लगता है। प्रयास यह रहे सीधा बैठ जाएं, हिलडोल नहीं करें। इसके साथ साथ दिशाओं के ज्ञान भी रखना चाहिए, किस दिशा में बैठना चाहिए। तो आपको कहना है उत्तर मुंह के बैठिए, आप पूर्व मुंह के बैठिए। अपवाद में है, जिनको प्रणाम करते हुए सामने अमृत में बैठ के कर लेना चाहिए, अपवाद में है। दिशाओं का प्रभाव पड़ता है, प्राय लोग उत्तर सिरहाने से सोने डरती हैं। क्यों डरते हैं? भय रहता है उत्तर सिरहाने सोएंगे तो मर जाएंगे। मरते तो नहीं है लेकिन मरना भयंकर रोग हो जाता है। क्यों रोग हो जाता है? कर्क रेखा का प्रभाव सीधे मस्तक पर और छाती पर पड़ता है, इससे भयंकर रोग हो जाता है। इसलिए लोग पश्चिम सो जाते, पश्चिम करके सो जाती हैं, दक्षिण सो जाते, पूर्व सोना ही चाहिए, उत्तर से नहीं सोती हैं। तो दिशा ज्ञान रखना चाहिए। अब भीतर में घुस करके हम तुरीय शाम प्रवेश करें, इसके लिए दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत चरण परमात्मा। परमात्मा के बहुत से नाम हैं, उन नाम में से एक नाम का जप करेंगे, कुछ सिमटा होगा इसमें। अगर मन भाग जाए तब क्या करना चाहिए? देखिए सबका मन भागता है, चाहे गृहस्थी आश्रम में हो, अवैतनिक आश्रम में हो, सबका मन भागता है। सब काहू को होता है तन मन पसरी, सबका मन भागता है। तो क्या उस भागने मन को छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, जैसे मन भागे लौटा जप लगा देना चाहिए। तब आप कहेंगे हम प्रयास तो करते हैं, मन बार बार उधर क्यों भागता है? पत्नी का, पुत्र का, बेटा का, पति का, पत्नी याद क्यों आ जाता है? खेती गृहस्थी याद क्यों आ जाता है? और अनाप शनाप बात क्यों आ जाता है जब करने के समय में? तो देखिए क्यों आता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, इसमें कोई कारण जरूर है। तो क्या कारण है मन भागने का? हम जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। जब सृष्टि में आए हम जीव परमात्मा की ओर से, तो परमात्मा की ओर से मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ लगा दी गई, इसीलिए इसको कहा गया है हे मानवा तो सदा के संगी, सदा का संगी यह है।
तो हम जीव के संग में चार भीतर की तरह साथ में है। तो जिन जिन शरीरों में गए, जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। मान लीजिए कर्मानुसार बागजोनी में गए हम, तो बाग शरीर में जाके जो हिंसा काम किए हैं वो मन पर पड़ा हुआ है। कर्मानुसार सांप जोनी में गए हम, तो वोटों को डस के मारे हैं, वह संस्कार पड़ा हुआ है। कर्मानुसार बंदर जोनी में गए हम, बंदर अतिकामी, वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है जब अपने प्रयास करती हैं और मन विषय का चिंतन करने में लग जाता है, यही कारण है। तब क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है, जहां जहां मन भागी जाए तह तह से तत्क्षण फिर लगाइए देह में आपन, आज के प्रतिहार धारण धारण धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़ी चढ़िए धर धारा धर के। पुरुषार्थ यही है, जहां जहां मन भागी जाता है तत्क्षण, मतलब तो लौटा के जब मैं लगाइए, देरी मत कीजिए। अगर देरी करेंगे देर करेंगे तो मन तो ऐसा शैतान है, समय बाप का बर्बाद कर देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए लोगों को। क्यों? पुरुषार्थ पीछे पीछे भाग चलता है। पुरुषार्थ यही, जैसे मन जब कुछ छोड़ के भागे उसी से लौटक जब लगा देना चाहिए। तो देखिए जप में बहुत ताकत है। अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जप करने का प्रयास करती हैं, तो जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाती है और जपासिद्धि प्राप्त हो जाती है। केवल जप में जपासिद्धि हो जाती है। जपासिद्धि में क्या होता है? मंत्र तो बहुत छोटा है, गुरु जी बताए हैं मंत्र तो बहुत छोटा है। जपासिद्धि में क्या हो जाता है? तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि मंत्र परम लघु, किनकी लिखने कला कितनी अच्छी है, मात्र परम लघु, लघु मतलब छोटा, अपन लगा विशेष विशेषण, मात्र परम लघु जासु बस भीधि हरि हर सुर सर्व महा मत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा, अगर जप करके सिद्ध कर लेती है मन को नहीं भागने देती है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बस में हो जाती है। उदाहरण का क्या दे दिया? महा मद गजराज का बस कर अंकुश खर्व, बहुत बड़ा हाथी जानवर है, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में, पिलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, डंटे के एक सिरे पर एक कांटी गढ़ा रहता है, कांटे के नोक पर हाथ कहता बैठ, बैठ जाता है, उठ उठ जाता है, चल चलने लगता है, खड़ा रह खड़ा हो जाता है कांटे के नोक पर। ठीक ऐसे ही जपा सिद्धि में ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाती है। एक तुरीय हमको प्रवेश करना है, इतने में लगे नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ने काम करना चाहिए। अब आगे के लिए क्या करें? पहले जब ठीक से कर लें, इसको छोड़ दें, इसके बाद और चिंता हो जाए, नाम समुद्र रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दिए हैं उनके रूप का ध्यान करना चाहिए।
मानसन करना चाहिए। तो मानसन करने में एकाग्रता कैसी कैसी होनी चाहिए, देखिए कितनी एकाग्रता की इसमें आवश्यकता है जिससे मानसन ठीक हो जाता है। Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. And please share with all your friends.